ये टायर भाई धस गया पूरा, और ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है, अब इसमें कितनी भी जान लगा। हाँ, अभी आदमी से तो ना लिखड़े। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog। और भाई संडे है, सुबह सुबह 6 बजे उठ के नहा के धो के तैयार हो गए भाई। बिल्कुल अपना एक उसूल है कि जब भी घर से निकलो तो नहा के और खा के जरूर निकलो भाई, क्योंकि अगर घर से खा के नहीं निकलोगे तो उसके बाद बाहर भी मिलना मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह बसों का ट्रैफिक शुरू हो गया है, आज थोड़ा सा मैं ही लेट हूँ क्योंकि 6:30 का टाइम था और 7:45 घर से निकल रहा हूँ। यार इतना क्वेश्चन तो रखते हैं शिवराज जी। असेंबलिंग पॉइंट है भाई अपना स्टैचू सर्कल, बस 5 मिनट में स्टैचू सर्कल पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ जाके अपने को पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं आज हम उटिहार के लिए। बस वालों का आतंक देख रहे हो भाई, बस वाले पूरा जाम लगा के खड़े हैं नारायण सिंह सर्कल पे सुबह सुबह 7 भी नहीं बजे। अरे ये देखो क्या हॉर्न लगा रखा भाई, कान फट जाए आदमी के। ये पहुंच गए भाई स्टैचू सर्कल। अच्छा वो खड़ी अपनी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं, फॉर्चुनर सबसे पहले पहुंच गई थी भाई, 6:20 पे ही फोटो आ गई थी उसकी। खैर हम भी पहुंच गए, 5 मिनट में ही पहुंच गए, बहुत लेट नहीं किया। ये अपनी गाड़ियाँ पहुंच गई हैं 4, एक फॉर्चुनर, एक जिप्सी और 2 जीप्स। ये पहुँच गए, 5वीं अपनी गाड़ी है, 1-2 और आने वाले लोग होंगे भाई। यहाँ से तो भाई रवानगी हो गई है, यहाँ से तो 5 गाड़ियाँ निकली हैं, बाकी लोग जाएंगे सीधा, कुछ रास्ते में मिलेंगे दूसरी जगह और बाकी लोग डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। आज कल्पना नगर जा रहे हैं, देखते हैं क्या ही स्वाद आने वाला है, मज़ा आएगा। गाड़ी का भाई जो काम कराया था वो तो शायद एकदम ओके हो गया, उसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी गाड़ी के RPM जो है वो आज कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं। धूप निकल गई है भाई और गॉगल्स लेने भूल गए, क्योंकि आदत वही है सर्दियों के बाद, अभी सर्दियों में ज़रूरत पड़ती नहीं थी, OTR पे जाते थे, और गर्मियों में कोई बहुत ज़्यादा OTR किए नहीं है। तो अभी निकल गई है बहुत तेज़ धूप, आज तो बिना गॉगल्स के ही काम चलाना पड़ेगा। रात को सोने में भी 1:30 बज गए थे भाई और 6 बजे उठ गए, तो नींद भी पूरी नहीं हुई। यहीं से गए थे भाई और वापस यहीं आ गए, यहीं मिल जाता भाई मैं तो। गाड़ी लेके भाई घाट की घूनी से बहुत टाइम बाद वापस जाना हो रहा है, क्योंकि टनल बनने के बाद तो टनल से ही जाते थे, आज घाट की घूनी से अंडरपास से निकल रहे हैं। बैनाड़ा मोड़ से मुड़ना पड़ता है भाई कल्पना नगर जाने के लिए, तो अपन बस्सी से थोड़ा सा ही पहले हैं जस्ट। ड्रैग रेस के लिए भाई बढ़िया सड़क है, दोनों तरफ सड़क एकदम खाली, ट्रैफिक नहीं है, बस एक आधा कोई ट्रैक्टर वगैरह या छोटा ट्रैफिक आ सकता है गांव का लोकल, जो जो भी आया हुआ है शायद भाई इधर, क्योंकि अभी वो मिला था एक थार लेकर आया है, तो वो कल्पना नगर आने की कह रहा था, बोला एक ब्लॉग बनाना है थार के लिए, कोई ब्रांड न्यू थार है वो लेकर आया है उसके ऊपर ब्लॉग बनाने के लिए। ऊपर एक थार दिखाई भी दे रही है, शायद जो जो की होगी, अभी देखते हैं पहुँचते हैं तब पता चलेगा। जो जो भाई यहीं आए हैं कहीं और गए हैं, तो एक बार फिर हमारे को जो जो भाई मिल गए हैं, बहुत जल्दी जल्दी मुलाकात हो रही है हमारी। हाय रोहित। हाय। सो गाइस, रोहित भैया का चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में चैनल डाल दूंगा, सो जितने भी बाहर वाले एडवेंचर होते हैं ना हम तो जा नहीं पाते, भैया चारों तरफ घूमते रहते हैं और एक्सप्लोर करते रहते हैं, तो ही इज द प्रॉपर यू नो ट्रैवल गाइड हु कैन गाइड यू कि ऑफ रोडिंग के लिए नई नई लोकेशन कहाँ जा सकते हैं। द राइडर्स क्रू करके भैया का यूट्यूब चैनल है और हम डिस्क्रिप्शन में तो लिंक डाले। ये भाई एक बिल्कुल स्टॉक कंडीशन की जिप्सी है, थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है ऊपर चढ़ने में, पहुंच गई लेकिन। एक अपनी जीप, आज 3 जिप्सी आई हैं भाई अपने OTR में। ये बिल्कुल, ये भी स्टॉक कंडीशन में ही है, टायर भी एकदम स्टॉक कंडीशन में है, और एक अपनी है और एक तो अभी तीसरी स्ट्रगल कर रही है ऊपर चढ़ने के लिए, आधे रास्ते पे तो पहुंच गई है। ये हमारी जीप भी ऊपर आ गई फाइनली भाई, 2 जीपें तो आ गई हैं ऊपर, एक शायद अभी नीचे ही अटक रही है, एक वो आ रही है अच्छा घूम के आएगी, उसने थोड़ा सा लंबा रूट लिया भाई।
शिवराज वरना फॉर्चुनर से ट्राई करेंगे भाई इस ट्रैक पे। अभी तो नीचे तो खैर उतर जाएगी। दिया भाई, चांसेस कम है, कम है चांसेस, कम है चांसेस। नहीं वो जिप्सी भाई एक ट्राई कर रही है इस ट्रैक पे ऊपर चढ़ाने के लिए, लगभग नामुमकिन सा है वो वाला, तो नामुमकिन सा है वो जो दिख रहा है। यहाँ से शायद आ सकती है शायद। और ये अपनी एक स्टॉक, मतलब बिल्कुल 4x2 जीप है शायद, शिवराज वरना लेकर आ रहे हैं। यदु वरना उतार रहे हैं अब। ये टायर भाई धस गया पूरा, और ये बिल्कुल फ्री घूम रहा है अब, इसमें कितनी भी जान लगा। हाँ अभी आदमी से तो ना निकले। अब इस गाड़ी को भाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मैन पावर, हॉर्स पावर और सारी पावर लगा दी है। ये टायर एकदम फ्री है। अब टेक्निक चेंज करिए भाई, वजन डाल के निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ी में वेट डाल दें सब लोगों को बैठा के, ताकि वेट आ जाए और नीचे टायर अपना ग्रिप बना सके। तो आधे लोग धक्का मार रहे हैं और आधे लोग उसमें बैठ गए हैं। फ्री हो गया जी, फ्री हो गया। ये भाई अपनी जिप्सी कोई रेस्क्यू की जरूरत पड़ गई, क्लच प्लेट गई इसकी। तो भाई आज के व्लॉग में अपनी जिप्सी की क्लच प्लेट गई बिल्कुल, और टोचन होकर इसको निकाला। अभी देखते हैं गेयर डलेगा, टोचन होकर ही वर्कशॉप तक जाएगी। हर बार कुछ ना कुछ एक छोटी मोटी प्रॉब्लम हो ही जाती है, खैर ऑफ रोडिंग है, पार्ट है। पहले हम इस जीप को रेस्क्यू कर रहे थे, इसके रेस्क्यू के चक्कर में अपनी क्लच प्लेट गई, और अब ये हमें रेस्क्यू करके लेके जाएगी नीचे तक, मतलब टोचन करके नीचे एक बार प्लेन तक लेकर जाएगी। वहाँ पे अपन आज इसको फैक्ट्री के वहीं छोड़ देंगे, फिर बाद में इसको मिस्त्री पे चेक कराते हैं। तो भाई अपनी जिप्सी आज टोचन होकर जा रही है, क्लच प्लेट बिल्कुल ही काम नहीं कर रही। तो भाई जिप्सी छोड़ दी है राम अवतार जी के पास, मिस्त्री के पास, और अभी अपन जीप से जा रहे हैं घर। भाई 5 मिनट का टाइम है, एक बार फैक्ट्री में को वापस आना पड़ेगा, लेट तो नहीं हो रहे यहीं पे? हाँ चलो चलो, एक बार होते ही चला जाऊंगा, नहीं तो मेरे को घर से फिर आना पड़ेगा। तो भाई घर पहुंचा हूँ, यहाँ पे विकास भाई का ब्लॉग चल रहा है, और लोगों ने मेरे को छोड़ दिया है घर पे, जिप्सी मिस्त्री के पास है। शक्ल तो ओपन जीप में जैसी होती है वैसी दिख ही रही होगी। तो ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पे। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।